हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। कृष्णा डायमंड ज्वेलरी अब डगरू सेठ ज्वेलर्स के साथ जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ग्रैंड ओपनिंग एंड एग्जीबिशन 7 अक्टूबर से। अग्रवाल गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। गुलाल डिजाइनर बुटीक वी मार्ट के निकट राजकुमारगंज दरभंगा। साड़ी कुर्ती गाउन ज्वेलरी एंड मोर। जीजे ज्वेलर्स राजकुमारगंज मिर्जापुर दरभंगा। 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर। डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IITN और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। सड़क पर टूट कर गिरा बिजली का तार, करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के लहेरिया सराय अंतर्गत बेलवागंज से है, जहां एक तरफ दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में लोगों में खुशी है, लोग पर्व की तैयारी में लगे हैं, माहौल भक्ति में है, लेकिन दूसरी तरफ दरभंगा के लहेरिया सराय के बेलवागंज में एक परिवार पर टूट गया दुखों का पहाड़। बताया जा रहा है कि बिजली का करंट युक्त तार जमीन पर टूटकर गिरा हुआ था और इसके करंट की चपेट में आकर राजकुमार साह की दुखद मौत हो गई। 22 वर्षीय राजकुमार सुबह फूल तोड़ने के लिए निकले थे। फूल तोड़कर पूजा करने के लिए जब वह निकले, उन्हें अचानक बिजली के तार से करंट लग गया, जो बिजली का तार सड़क पर गिरा हुआ था टूटकर। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पर्व के समय ऐसा हादसा होने से परिवार पर पूरी तरह से दुखों का पहाड़ टूट गया है। विजय की मौत के बाद परिवार में रुदन क्रंदन का माहौल है। पुलिस भी पहुंची है, मामले की जाँच की जा रही है, लेकिन इस बड़ी दुर्घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बिजली का तार गिरा हुआ है, देखा गया वहाँ पर, और कैसे उसके बिजली करंट लगा ये सब जांच का विषय है। अभी जो बहादुरपुर को बुलाया जा रहा है, परिवारिक लाभ संबंधी जो भी होगा क्या कर आ रहे हैं। सीओ बहादुरपुर आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या परिवारिक लाभ।